विषय। आप बैठो सियाग साहब प्लीज, नहीं सियाग साहब बैठिए आप, सुझाव लिख के दे देना, लिख के दे आप रिटर्न में दे देना, आप रिटर्न दे देना, ये इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर बता दूं, बाकी लिख के दे देना। मैं मानवर बत्रा जी से बात बताना चाहूंगा इनको कि जैसे अब बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टें कम होती हैं, एग्जाम देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, इसमें या तो उन सबको एक ही बैच में और उसके इतने सारे सेंटर बना के, इतनी सारी फोर्स लगा के, 10 लाख 8 लाख 15 लाख जितने हैं उन सबका एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए, फिर न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया कि हम एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, हम तो 10 लाख हैं तो 2-2 लाख 5 शिफ्टों में कराएंगे, और 5 शिफ्टों में पेपर भी वहां अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है हर एक पेपर का ये अलग अलग होता है। आप तो बहुत इन विषयों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये देश और दुनिया का नियम है। आप पता कर लीजिए, और अच्छी जानकारी नहीं तो मैं ला के दे दूंगा, मैं वो बता रहा हूं, उसमें आगे चल रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है और 4 उसके प्रश्न पत्र होते हैं, तो हार्डशिप के लेवल पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया उसे नंबर कम आएंगे, एक पेपर थोड़ा आसान आ गया उसे नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत कोर्टों में जाकर खड़े हो जाते हैं, सुन लीजिए, अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना, सुनने का मादा नहीं, मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहे, तो इसलिए आप पता करा के दूंगा आपको किस किस बोर्ड में किस किस कमीशन में कब कब ये न्यूट्रलाइजेशन हुए और अब कहां कहां चल रहा है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का पहली बार किया, ये बात ठीक है कि ये पहली बार जेडब्ल्यू यूपीएससी में भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी ये तो ऑल इंडिया एग्जाम है, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऐसा नहीं है, तो और भी बोर्डों में बता देंगे लाके। अब उसको न्यूट्रलाइज इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया, ये बात भी सत्य है, यहां कभी नहीं होगा, पहली बार किया तो थोड़ी उनसे चूक हुई, वो चूक भी स्वीकार है, जो फार्मूला जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया, जिसने गाइड किया उनके यहां सोशल इकोनॉमिक नंबर नहीं होते, उन्होंने कहा कि जो भी नंबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट उस पर नॉलेज कराइए और उस हिसाब से मेरिट बना दीजिए, वहां कोई जिसने गाइड किया वहां ये नहीं थे क्या सोशो इकोनॉमिक जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, जब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो विद्यार्थी कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ, फिर जो अलग से जहां ये सोशो इकोनॉमिक की बात जिनको जानकारी है जो इसका सॉल्व कर सकते हैं उनको फार्मूला बदल करके उन्होंने कराया, और फार्मूला बदल करके कोर्ट में उसको दिखा दिया, कोर्ट ने कहा यह ठीक है। ठीक होने के बाद ये भी एक बात और आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ 200-100 लोगों का उथल पुथल भी हो गया है, 200 लोग पहले चयन हो गए, बाद में दूसरे चयन हो गए, वो निकल गए, वो कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है, जो गलत है बिल्कुल नहीं करना है, चाहे अपना स्टेप हमको वापस भी लेना पड़े, गलत चीज को वापस लेने में हमें कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं, हम ले सकते हैं। धन्यवाद।